मैं शाहीन संस्था में फील्ड वर्कर का काम करती हूँ, और हम लोग ये जो फोरम के लिए जो एक जो दो दिन से वर्कशॉप रख के हम लोग जो काम कर रहे हैं, उसमें जो दलित औरतें और मुस्लिम औरतें और जो ट्राइबल्स के जो औरतें हैं, उन लोगों के लिए ज़्यादातर कोई बात करने वाला नहीं है। तो उसके लिए हम लोग एक जगह जमा होकर उन लोग के मतलब इश्यूज़ के बारे में, उन लोगों को आगे बढ़ाने के बारे में, हर कोई ज़्यादातर मज़हब के लिए ही बात कर रहा, लेकिन हम लोग पूरे लोगों को साथ लेके, जो भी औरतें हैं उनको साथ लेके चलने के लिए हम लोग ये फोरम एक तैयार कर रहे हैं, जिसमें जो भी फ़र्क है या जो भी हिंदू मुसलमान के झगड़े आजकल जो हो रहे हैं, वैसा नहीं हो के हर कोई एक ही जगह पे एक ही हिसाब से काम करने के लिए हम लोग दो दिन का वर्कशॉप करके फोरम बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जो दो दिन का जो प्रोग्राम किया है इन्होंने चाइल्ड मैरिज और कस्टमरी लॉ को लेकर के, आज की तारीख में जब हम देखा जाते हैं, अपने राजनीति को देखते हैं, अपने पॉलिटिक्स को देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरत हो जाती हैं डिस्कस करने के लिए। क्योंकि जब औरतों को, जब गाय की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है और औरत की वैल्यू कम हो जाती है ना, तो इस तरह का प्रोग्राम रखना बहुत ज़रूरी होता है। और औरतों को जो एक हमेशा से दूसरा दर्जा देने का जो बात है, उसमें हमको हर चीज़ को खोल खोल के देखना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि चाइल्ड मैरिज क्यों होता है और कस्टमरी लॉ कितना अच्छा है, औरतों के लिए कितना बुरा है, कितना कंट्रोल कर रहा है, कितना उनको लिबरेट कर रहा है। तो ये सब चीज़ समझने के लिए एक दो दिन का कंसल्टेशन रखा है। और अच्छी बात यह हुई है कि दो दिन के कंसल्टेशन से एक विचार निकल करके आया है यहाँ पे बैठे सारे ग्रुप में से, कि हमको एक फोरम बनाना चाहिए, हमको एक फेडरेशन बनाना चाहिए, जो कि बहुत ही आज की राजनीति को देखते हुए बहुत सही स्टेप है। क्योंकि जब तक हम एक पूरी शक्ति लगा करके अपने एक आवाज़ को तेज़ नहीं करेंगे ना, तब तक बात हम आगे नहीं निकल करके आती है। हर कोई अपने अपने छोटे छोटे, वहाँ वुमेन्स एम्पावरमेंट कर रहा है, वहाँ बच्चों की पढ़ाई कर रहा है, वहाँ औरतों के हेल्थ पे काम कर रहा है, बिखरे बिखरे काम करेंगे ना डॉट डॉट्स में तो कुछ नहीं होगा। ये डॉटेड लाइन को कनेक्ट करना पड़ेगा और कनेक्ट करके एक बड़ी आवाज़ औरतों के फेवर में निकालनी पड़ेगी कि भाई ये जो कुछ भी हो रहा है, ये एक भेदभाव वाला समाज का निर्माण हो रहा है, और ये भेदभाव वाला समाज निर्माण ना हो, ऐसे समाज निर्माण हो जहाँ पे कि औरत और आदमी किसी भी धर्म के हो, एक हक मिले, एक समानता मिले और सब एकता के साथ जिए। तो उसको देखते हुए ये कोई भी नेटवर्क, कोई भी फोरम, कोई भी फेडरेशन का यही काम होता है। और यहाँ से भी जो फोरम निकल के आएगा, जो तेलंगाना का फोरम होएगा, इसकी जब एक आवाज़ सशक्त होएगी, तब जाके यहाँ की औरतों की कोई बात सुन पाएगा। मेरे को आपको इतना ही कहना है। नीरजा भटनागर है और मैं मुंबई रीजनल ऑफिस एक्शन एड का, जो मुंबई रीजनल ऑफिस है वहाँ पर रीजनल मैनेजर हूँ।